हॉकी इज गुड। सारे स्पोर्ट्स खेले कॉलेज के अंदर। गया भाई। बहुत ही खराब है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो आज मैं अपने कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज हमें एक्चुअली हमारे डिग्री के डॉक्यूमेंट्स थे, उनको कुछ अपलोड करना था, तो उनको अपडेट करना था एक्चुअली। तो उस काम से मैं अपने कॉलेज जा रहा हूँ और आपको आज मेरा कॉलेज भी दिखाता हूँ अपने व्लॉग में। तो चलो चलते चलो चलते जा रहा हूँ मैं, बाय। एक दो घंटे में आ जाऊँ, बाय। ऑफिस है ना, हाँ हो जाए। ऑफिस तो है, ऑफिस है, बट हम वेट कर रहे हैं। चलो चलते हैं। काफ़ी डर लग रहा है मुझे आज इसमें से, क्योंकि हमारे घर में आज लाइट काफ़ी बार जा चुके हैं। बस होप करते हैं कि लाइट बंद ना हो और ये लिफ्ट बनना हो, वरना कॉलेज जाना तो क्या, ऑफिस का काम भी यहाँ छूट ही जाएगा। चलो अभी मैं अपनी स्कूटी से जा रहा हूँ, और स्कूटी से जा रहा हूँ और मिलते हैं आपको बाइक पे। फाइनली कॉलेज पहुँचना, कॉलेज का वो गेट है जहाँ से हमें एंट्री मिलती जब पीछे वाले गेट से। फाइनली वी आर एट द कॉलेज। ये हमारा सी एस ब्लॉक है, यहीं पे हम लोग पढ़ते थे। या फोर्थ फ्लोर पे हमारी क्लासेस लगती थी जनरली। चलो अभी हम चलते हैं हमारे काम से, डिग्री के काम से। ये कुमावत लाइन में खड़ा हुआ है अभी और वेट कर रहा है नंबर आने का। अभी शक्ल मत दिखा भाई को, ये सब तूने मास्क लगा रखा है, वैसे भी निकली बाल तो कटे हुए हैं भाई। और बेटी जा चुका है, बेटी थक चुका है कॉलेज से। गया का है नहीं गया, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, हम बगल थोड़ी बैठे। सॉरी पता नहीं। फन फैक्ट, ये हमारा कॉलेज का ग्राउंड है जो कि मोस्टली बंद ही रहता है, अभी भी, पहले भी रहता था पर अभी भी ये बंद ही रहता है। वॉलीबॉल कोर्ट भी है बट बच्चे नहीं है यार, क्लासेस में बच्चे, बास्केटबॉल सब है बट लाइफ एट SKIT इज गुड। मैं सारे स्पोर्ट्स खेले हैं कॉलेज के अंदर, मैं बास्केटबॉल खेलता था, बैडमिंटन खेला मैंने, और ये क्या बोलते हैं इसको, वॉलीबॉल भी खेला मैंने, और क्रिकेट हम सब खेलते थे। बट एक भी टीम में क्वालिफाई नहीं कर पाया भैया, क्वालिफाई में किसी ने नहीं कर पाया। तो चलो अभी वैसे हमारा कॉलेज का काम अभी हुआ नहीं है, जिससे काम था वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गए हुए हैं। तो अभी चलो चलते हैं, अभी चलते हैं हम फास्ट पिज़्ज़ा जो हम वहाँ पर हमेशा जाते थे कॉलेज से। तो चलो अभी वहाँ जाके पिज़्ज़ा खाते हैं। फाइनली वी आर एट द फास्ट पिज़्ज़ा। चलो अंदर चलते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं। काफ़ी हमारी बेटी काफ़ी डरते हुए लोगों से, ऑर्डर तो हमने कर दिया। चलो देखते हैं। कॉलेज से मैं आ गया हूँ काम करके, काम हो गया है हमारा, हमने सबके डेटा अपडेट करा दिया। कुछ लोग इशू आ रहे हैं तो हम लोग देख लेंगे कैसे उसका डेटा अपडेट करना है। तो चलो अभी चलते हैं, एक्चुअली मेरी ऑफिस कॉल का टाइम हो रहा है, तो मैं कॉल लेता हूँ आपको, उसके बाद में बाय। तो गाइस यस, अभी मैं ऑफिस का काम करके फ्री हुआ हूँ थोड़ा। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास कुमावत का फ़ोन आया था कि वो कुछ नया ट्राई कर रहा है, तो वो क्या ट्राई कर रहा है उसके लिए आप व्लॉग में भी देख लेना। प्लस अभी मैं बेटी के घर जा रहा हूँ, बेटी के साथ ही मैं कुमावत क्या ट्राई करना है वहाँ पर जाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो गाइस यस, फाइनली हम भी यहाँ पहुँच गए। मैं बेटी को लेके आ गया था तो लेट हो गए थे हमारे हिसाब से, बट हाँ लेट नहीं है, यहाँ आके पता लगा। तो अभी चलते हैं अंदर, वैसे अभी सब लोग आए नहीं है तो अभी वेट ही कर रहे सबका, एक बार सब आ जाए फिर चलते हैं अंदर और देखते हैं कुमावत क्या नया ट्राई करने वाले, और आपको भी दिखाते हैं। स्कूल में भी ध्यान नहीं उसका पढ़ाई पे कुछ नहीं, बचपन से ही मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड है मेरा, उसको टीचर होमवर्क दे रही है, होमवर्क नहीं करके आ रहा है क्योंकि होमलेस है वो।
लेकिन अब लेकिन जॉन ने मेहनत बहुत करी है। थैंक यू सो मच, पहली बार मुझे खुशी हो रही है ना, मेरे बात पहली बार ना कसम, ये जो भाई मैंने इतनी बार कराया ना तुमने अंदर तो भाई तो कोई नहीं ऐसा, लेकिन तू मुस्करा दिया मेरा भाई आज का दिन वो भाई बन गया, मेरा दिन बन गया भाई। थैंक यू सो मच, हाई नोट पे खत्म करते हैं, प्लीज कॉल मैं के साथ नहीं जाना पहली बार तो मैं तो उसके साथ जाता हूँ हमेशा। बाय द वे हैप्पी बर्थडे भाई, एक्साइटेड है बर्थडे के लिए? बिल्कुल। अरे यार अभी से नहीं है, अरे अभी से तो नहीं हो भाई एक्साइटेड है, सैड। ओके सो ये मैं सेकंड टाइम परफॉर्म कर रहा हूँ आज और मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ, और तुम लोग तो पीसीएम से हो तुम तो जानते हो, नर्वसनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सुसु। मेरे को भी काफी जोर से सुसु आ रही है, मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था तब भी, बट जैसे ही आपकी नर्वसनेस खत्म हो गई आपकी सुसु गायब। पैंट में नहीं, पता नहीं था। सो ये भाई सीन हमेशा यही होता है। आप लोग ने कभी परफॉर्म किया स्कूल में? पता मैंने बहुत कोशिश करी थी, ऐसे परफॉर्म किया, नर्वसनेस होती है आता है ना सुसु परफॉर्म करने के बाद, वही तो गया था भाई इतना सारा था। तेरा एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा तो बहुत ही बढ़िया था, मैं कभी तैयार करके नहीं आता, बट अगर मैं तैयार करके आऊँ तो ऑडियंस की रिएक्शन पे लगता है कि मैं कर सकता हूँ परफॉर्म। तेरा है हॉस्पिटल? हाँ फ्रॉम नेक्स्ट डे। व्लॉग बना रहेगा तू? व्लॉग बनाता भाई। तुझे कैसा लगा इसका? तो गाइज यस फाइनली जाके आ गए कुमावत की शो पे, शो तो नहीं कह सकते हाँ, बट उसकी जो बिट थी वो ठीक थी। आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में उसकी बिट कैसी लगी, आपको कैसी लगी, मुझे तो अच्छी लगी, और आप लोग भी अपना रिव्यू देना। चलो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग देख तो रहे पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज सब्सक्राइब आवर व्लॉग, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। यहाँ नहीं जाएंगे भाई, यहाँ टीचर्स है भाई, चलो।